प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। माता जी कैसी हैं? तबियत साल 6 महीने से खराब चल रही है। नहीं, 6 महीने से नहीं है, फरवरी से है। नहीं, आपकी समस्या तो लगभग पिछले 3.5 साल से। अच्छा, आपकी जो आवाज बताती है उसके हिसाब से लगभग 3-3.5 साल पहले आपकी समस्या की शुरुआत हुई। अच्छा, आपको उल्टे पाँव में और कमर में कोई तकलीफ है क्या? हाँ है। है ना? हाँ। तो उसी समय से शुरू हुई जो आपकी आवाज बताती है। आपकी हाँ। कुंडली जन्म तारीख वगैरह है क्या? है। बताइए। 2 जुलाई 1956। 2 जुलाई 1956। समय? समय याद नहीं पंडित जी। कुछ याद हो तो बताइए, कुंडली अभी निकल आई। समय भर याद नहीं कुछ। देखिए, हम आपको बता देते हैं, हमारे ख्याल से आपका समय, जन्म का समय सवेरे सवेरे का। अच्छा, हमको ऐसा लगता है। हाँ। तो हम सवेरे का डालते हैं, चेहरा आपका बताता है, पर हम देखते हैं कहाँ का जन्म है। जबलपुर का। अरे वाह। हम आपको आपको जानते हैं। अच्छा, आप रांची में रहते हैं, हम आपसे मिलने रायपुर भी गए थे। अरे क्या बात है माता जी। चलिए, अब देखिए, हम आपकी इस कुंडली को जांचते हैं। अगर ये कुंडली सही है, ये कुंडली सही है, तो आपके जो सवेरे हमने 7 बजे की निकाली, तो आपके घर के सामने तरफ ऐसे उल्टे हाथ तरफ कोई ब्राह्मण बनिया अग्रवाल परिवार रहता है। नहीं, वहाँ सब सिंधी हैं। तो सिंधी भी तो बनिया ही में आते हैं। अच्छा, सिंधी भी सिंधी। तो देखिए, जो सामने जो सिंधी परिवार हैं, हाँ? बनिया परिवार। हाँ? उनके परिवार में 5 लोग होंगे। हाँ। सही बात है। हाँ। उनके परिवार में 5 लोग हैं। हाँ। ठीक है ना? तो ये कुंडली सही है। इस कुंडली के अनुसार घर के बाहर ऐसे उल्टे हाथ तरफ एक पीपल बरगद का पेड़ भी होना चाहिए। पीपल बरगद पहले था तो उसको निकलवा दिए हैं, दूसरे की दीवार में था। था पहले। हाँ, आम का पेड़ है अब। हाँ, तो ठीक है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है। हाँ, दोनों पूजनीय है। हाँ। दोनों पूजनीय है, पीपल भी पूजनीय है। आम तो ऐसा है कि हर शुभ काम में उसके पत्ते लगाए जाते हैं, कलश में लगाए जाते हैं। ठीक है। अब इस कुंडली के अनुसार पिछले लगभग जून के महीना से, जून 2022 से आपकी तकलीफ बहुत बढ़ गई। हाँ पंडित जी, सही है। सही है। तो हमने जो अंदाज लगाया था कि सवेरे का आपका जन्म होगा आपकी आवाज से, वो सवेरे का ही जन्म निकला। ठीक, आपका चेहरा देख के समझ में आ गया कि सवेरे का जन्म। ठीक है, अब आप सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं? अभी तबीयत के बारे में, और भाई परिवार में कोई काम नहीं होता। जो काम होता है ना, जैसे शादी विवाह तय हो जाती है और दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाती बात। इसका एक दो बच्चों की शादी नहीं हो रही, इसका एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं। हाँ। आपके माध्यम से। हाँ। ये आप बहुत गौर करके बताइएगा। हाँ। जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिए। हाँ। या तो आपके माध्यम से आपने इशारा किया कि इस सांप को मार दिया जाए, सांप, या तो सांप आपकी गाड़ी से दबा, मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं किसी के माध्यम से, तो सांप। अच्छा। ठीक। हाँ। सांप की हत्या हुई, ठीक है ना? हाँ। अब हम वो भी बता देते, अगर गाड़ी से दबा है तो जब कोई गाड़ी चला रहा था उसका नाम ना से होगा, ना, ना। नरेश, नीरज, नरेंद्र। हाँ, है हमारे यहाँ नाई से नाम है सबके। बोलो शंकर भगवान की जय। उस नाग के मरने के परिणाम स्वरूप आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं होगा। संतान से संबंधित चिंता रहेगी। अब आप नोट करो। हाँ। पेट फूलेगा, गैस बनेगी। हाँ। घबराहट होगी। हाँ। जांच होगी, रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं निकलेगी। हाँ, नहीं निकलती, कुछ नहीं निकलेगा, पर बीमार हमेशा रहोगी, बीमार हमेशा रहोगी। हाँ। खाया अन्न हजम नहीं हो, सिवाय उल्टे विचारों के कुछ दिमाग में आएगा नहीं, तो फिर निगेटिव विचार। तो वो जो नाग की हत्या हुई है। हाँ। उसका हम निदान आपको बता देते हैं। ठीक। अनजाने में हुई, जो भी हुई और जिनसे भी हुई, जैसे भी माध्यम से हो गई। नाग एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ निकलता था। ठीक है। सावन के महीने में सोमवार के दिन इतना निकल के बैठता था। ठीक है। हमारे घर में घर में थोड़ा छोटे भाई, छोटे देवर का भी जगह है ना, वहाँ कुआं भी है, तो वहाँ से भाई जहाँ हम लोग रहते उसके नीचे तलघर है। हाँ।
वहाँ खिड़की बनी है। ठीक है, तो हमारे दूसरे लोग उसको ना निकालने के लिए सोचे तो सबने मना कर दिया, पकड़ने वालों ने भी मना कर दिया कि हम इनको नहीं पकड़ सकते जी। और खूब वो दूसरों ने टायर जलाया तो खूब गुस्सा में आ गए, और जहाँ हमारा तलघर है ना वहाँ एक टंकी बनी थी तो वहाँ छोटी सी जगह में बैठे थे, फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिए। वो कोई बात नहीं, पर हाँ। अब हो सकता वो गायब हो गया कि मर गया कि चला गया, वो अपने हम ये नहीं, हमारी एक आदत नहीं है कि आप कहीं चूके तो हम जबरदस्ती लकीर पीटे, ऐसा नहीं। हाँ। आपके माध्यम से नाग की बलि हुई है, हत्या हुई है, बद हुआ, धोखे में हुआ, जाने अनजाने हुआ, उसका दोष है। इससे हम बता रहे आपकी संतान मल्टी टैलेंटेड रहे, हाँ, लेकिन उसको वो स्थान नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। हाँ। ये होता है, पढ़ाई में भी नंबर एक सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो ये उसी कारण से हो रहा। माता जी आप ऐसा करिए, अब एक मटकी लीजिए, हाँ, दो नाग नागिन ले लें आप, हाँ, तांबे के, हाँ, उनको एक मटकी में रखें, हाँ, मटकी के ऊपर एक काला या नीला कपड़ा बांधें, हाँ, शनिवार के दिन, हाँ, वो नाग नागिन ऐसे 7 बार उतारें और बहते हुए जल में एक पानी वाले नारियल के साथ प्रवाहित कर दें। अच्छा, वो मटकी हम अपने ऊपर से उतारेंगे? आप अपने सिर से उतारें, कोई दूसरे से उतार वाले तो नहीं, अपने हाथ से ये लोग उतार दें, कोई भी उतार, हाँ, दें, हाँ। और जल में प्रवाहित कर दें। आपके घर में 6 महीने के बाद मंगल कार्य होने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, हाँ। 8 महीने कम से कम उसके प्रभाव के लिए लगेंगे, जादू नहीं होगा, झूठ झपट का काम नहीं। 8 महीने बाद आपके धीरे धीरे सारे काम सुचारू होने लगेंगे, हाँ। और आप सुखी हो जाएंगे। हमारे पास एक लड़की आई थी पिछले बार, यहाँ पर एक बच्ची आई थी, यहाँ कार्यक्रम में रही, फिर होटल में आई, उसको हमने एक प्रयोग बताया था, उसका काम हो गया, उसको भी यही दोष था, तो हमने उससे बोला, अब कभी चाहें तो हम बात करा सकते, हमने कहा इस व्यक्ति के नाम के व्यक्ति से आपने नागदेव की हत्या कराई, बोले हमने अपने पापा से बोला था कि बार बार आता है इसको मारो पापा, हाँ। और पापा ने हमारे सामने डंडे से उसको मारा, उसके बाद से हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही, 9 साल हो गए शादी के, हमने उसको उपाय बताया, अभी उसने हमको अच्छी खबर सुना दी कि डॉक्टर ने सब ओके कर दिया, सब कुछ ठीक है, तो ये है, इतना कर लीजिए, ठीक है, हाँ। और पंडित जी एक बार हमको ना इतनी बड़ी मतलब काचली, हाँ, काचली मिली है, वो रखे हुए है हम, तो उसका क्या करना है? सांप की कांचरी जब तक पूरी ना मिले, पूरी, हाँ, मान लीजिए इतना लंबा है, हाँ, पूरी आकार थी फिर से कोड़ गई है, हाँ, पूरी ना मिले तो कोई काम की नहीं। अच्छा, पूरी अगर मिल जाए तो उसको एक लाल कोरे कपड़े में जल सींच के छिड़क के, हाँ, लाल कोरे कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लो, हाँ, डिब्बे में रखे हुए हैं, बिल्ली की जेर जो होती वो, और सांप की कैंचली, हाँ, ये धन बढ़ाने वाली होती, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए, आधी नहीं तो इतना आप कल ना, वो तो रखी है तो रखी रहने, कोई है, हाँ, छोटी है मतलब सुकुड़ गई है, लेकिन हम 16 सोमवार रहते थे उस दिन मिली थी हमको, तो रख लीजिए, छोटी है तो छोटे छोटे नोट आएंगे, हाँ, तो बड़े बड़े नहीं है, कोई बात नहीं, काम चलने दीजिए। पंडित जी वैसे हम नागदेव को मानिक हम तीसरी पढ़ते थे जब से हम शंकर जी की पूजा करते हैं, भगवान पास में लगाए, हाँ, शंकर जी की पूजा जब तीसरी पढ़ते थे तब से करते हैं, हमें सब मना करते थे लेकिन हम पूजा करते थे, तब से अभी तक करते हैं और मानते हैं शंकर जी को भी नागदेव को भी करते। अब आप तो जानती हैं हमें इतने, हाँ भाई, ये धोखा हो गया है शायद हमसे, तो नागदेव देखिए उसका भगवान भी क्षमा कर देते, हाँ। आप भी शंकर जी की सेवक, हम भी शंकर जी के सेवक, भगवान, हाँ, ने मिला दिया, समाधान भी मिल गया, अब आप समाधान करिए, ठीक है, हाँ। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या कोई पर्ची निकाल, हाँ बताए ना, शादी उसी कारण नहीं हो रही, वही कारण, बच्चों की शादी ना उसी के कारण नहीं हो रही। अभी आप कर लो, 8-9 महीने बाद हमारा कोई कार्यक्रम होगा, 9-10 महीने बाद तो आप बहू को लेके आ जाना, हाँ, पहले इसको कर लो, लेकिन जबलपुर पहुंच जाएंगे ना रांची, बिना करे नहीं होगा, हाँ। कर लो आप, लेकिन है ना, हाँ, तो ये दोपहर को सवेरे या शाम को, दिन में करना, कभी भी कर, कभी भी कर दे, हाँ। और तुरंत उनको नदी में छोड़ आएंगे, उतारा किया छोड़ दिया, हाँ, फिर पलट के, हाँ, 7 बार पलट के नहीं देखना, हाँ, ठीक है, ठीक है, प्रणाम गुरु जी, भगवान शुक्रिया।